आपको याद होगा, आज से लगभग 12 या फिर 13 साल पहले एक खबर चली थी जिसने सभी का, या फिर यूं कहिए कि पूरे के पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और आकर्षण का केंद्र था एक बच्चा जिसका नाम था प्रिंस। पूरी घटना हरियाणा के हल्दी हेड़ी गांव की थी, जहां उस पर मासूम प्रिंस को बचाने के लिए, जो कि बोरवेल में गिर गया था, आर्मी ने पूरा ऑपरेशन चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद प्रिंस को बोरवेल से निकाला गया। पूरे देश से उस समय उस बच्चे के लिए दुआएं निकल रही थी और लोगों ने, न्यूज वाले ने प्रिंस की मदद करने का फैसला भी किया। प्रिंस के परिवार को और शिक्षा को कुछ पैसे भी मिले, जिसके चलते उनका मकान पक्का हो गया। प्रिंस एक साल प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा, लेकिन ढलते समय के साथ सब उसे भूल गए और परिवार उसी ढर्रे पर आ गया। प्रिंस सरकारी स्कूल में जाने लगा और अपनी पढ़ाई करने लगा। पिता खेती में मजदूरी का काम करते हैं और माँ कीर्तन वगैरह में आती जाती रहती हैं। प्रिंस अभी भी पढ़ाई कर रहा है और वो आर्मी में जाना चाह रहा है, जबकि प्रिंस की फिटनेस अभी आर्मी के लायक नहीं है, लेकिन वो कहता है कि वो जल्द ही उसके लायक भी बन जाएगा। प्रिंस ने ये बात एक इंटरव्यू में बताई। प्रिंस के पास आर्मी का एक लेटर भी है, जो उसे छोटी उम्र में दिया गया था और आर्मी की तरफ से कहा गया था कि अगर वो फिट होता है और आर्मी में भर्ती की सारी शर्तों को पूरी करता है तो फिर उसे भर्ती में तरजीह दी जाएगी, यानी कि भर्ती में उसे वरीयता दी जाएगी। पिता भी उसको पढ़ लिख कर के नौकरी करने की सलाह देते हैं, क्योंकि दिहाड़ी और मजदूरी में उतना पैसा नहीं बन पाता है जितने की उम्मीद होती है, और ऐसे में प्रिंस फौज में जाना चाह रहा है। अब आगे देखना ये होगा कि क्या वाकई प्रिंस फौज में जा पाएगा या फिर नहीं। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।